आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों आज की खबर वाकई काफी खास है। दरअसल आपको मालूम होगा कि कल शनिवार के दिन में विरार में एक बड़ा मामला हुआ, अपराध का काफी बड़ा मामला था। दिन दहाड़े गोली चलती है, एक के बाद एक चार राउंड फायर होते हैं और उसमें एक इंसान की मौत हो जाती है। यह मामला काफी गंभीर मामला कल विरार में सामने आया। जब अपराध हुआ तो अपराध के बाद में अपराध की छानबीन शुरू हुई, लेकिन मामले ने नए मोड़, पल पल नए मोड़ बदले। सबको मालूम है कल दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बीच की यह घटना है, जब समय चौहान नाम के शख्स के ऊपर 2 अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए समय चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसी समय ये आवाज उठी थी कि ये किसके इशारे पे यह सब किया जा रहा है, इसका हमें मालूम है। जैसे जैसे दिन गुजरा मामले में और भी बदलाव हुआ, फिर शाम के समय FIR हुई और FIR में पुलिस ने बकायदा 6 लोगों को नामजद किया। 7वें नंबर पर उस शख्स का जिक्र था जिस शख्स का कोई नाम नहीं था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि गोली चलाने वाला और बाइक पर बैठा हुआ, पीछे बैठा हुआ इंसान। उसके बाद 8वें नंबर पर बाइक चलाने वाले का जिक्र है FIR में और उसमें भी नाम नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में यह मामला हाई प्रोफाइल तब बन गया जब नवा नाम जो सामने आया और 8 नाम जो थे वो प्रिंटेड थे, कंप्यूटराइज्ड थे, लेकिन नवा नाम बाद में हाथ से लिखा गया था। वह नाम था सुदेश चौधरी। अब ये नाम इसलिए अहम है कि सुदेश चौधरी नाम का एक शख्स जो वसई विरार की राजनीति में काफी अहमियत रखता है, किसी जमाने में बहुजन विकास आघाड़ी का कद्दावर नेता माना जाता था और बहुजन विकास आघाड़ी के बैनर तले सालों से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नगर सेवक रहे हैं और सभापति तक चुने हुए हैं। लेकिन पिछले साल अंदरूनी कलह की वजह से बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर आज वो शिवसेना में है, तो सुदेश चौधरी का नाम इसमें जाहिर हुआ। अब इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि नाम सुदेश चौधरी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सुदेश चौधरी इसका जिक्र पुलिस ने नहीं किया था। लेकिन वहीं कल शाम को ही स्थानीय मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से चलाया कि शिवसेना नेता, FIR में कहीं शिवसेना पार्टी का या किसी का जिक्र नहीं था, लेकिन स्थानीय मीडिया ने प्रमुखता से चलाया कि शिवसेना नेता। तो तब कहीं ना कहीं यह संदेह हो रहा था कि इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन पुलिस भी अपनी चुप्पी लगातार साधे हुई थी। पुलिस ने भी इस मामले पर कौन कौन आरोपी है इसका खुलासा नहीं किया। फिर नई जानकारी सामने आई कि जो मामला है यह मामला पिछले कुछ महीनों पहले निशांत कदम हत्याकांड जो हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो पहले 2 आरोपी है वो निशांत कदम के भाई बताए गए। और ये बदले की भावना, ये जो अभी जो मृतक मरा है समय चौहान, इसका भाई निशांत कदम के मर्डर केस में आरोपी था, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई है। वहीं इसका भी नाम सस्पेक्ट में था और इसी का बदला लिए जाने के लिए यह सब हत्याकांड रचा गया। अब मामला आगे बढ़ते बढ़ते जब किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता का नाम सामने आता है तो हाई प्रोफाइल बन जाता है मामला। तो मामला काफी हाई प्रोफाइल बन चुका था और फिर अचानक से कल शाम को देर रात में एक मीडिया, सिर्फ एक मीडिया चैनल को
सुदेश चौधरी ने अपना खुद बयान जारी करते हुए बताया कि हाँ वो सुदेश चौधरी मैं ही हूं। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि किसी का अपना निजी वीडियो है, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन सुदेश चौधरी का अपना एक वीडियो है, उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ जिस सुदेश चौधरी की इसमें बात कही जा रही वो मैं ही हूं। लेकिन मेरा इस सुदेश चौधरी ने यह बोलते हुए आगे कहा कि ये मामला जो है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों, किस वजह से इस मामले में मुझे घसीटा गया ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। और इस मामले में पुलिस को जब कभी मुझसे जिस तरह की जांच पड़ताल में मदद की जरूरत होगी, मैं पुलिस को हर संभव मदद करने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं ये बयान सुदेश चौधरी का सामने आने के बाद जो मीडिया में खबर चल रही थी कि शिवसेना नेता, तो उस पर मोहर जरूर लग गई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अभी भी चुप है और पुलिस ने इस पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इतने बड़े मामले पर पुलिस को कम से कम एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए था ताकि लोगों को इस बारे में पूरी सही जानकारी मिल पाती। अब आगे इस मामले में क्या होगा ये देखा जाएगा, यह चलता रहेगा घटनाक्रम, और आने वाले समय में क्या इसके परिणाम आएंगे ये भी मालूम पड़ेगा। हालांकि वसई विरार मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त जो है, कप्तान जो है, वो एक ऐसे अफसर है कि जिन पर क्षेत्र के हर एक लोगों का भरोसा है। साधारण दाते जो पुलिस कमिश्नर है, हर कोई उनकी कर्तव्य निष्ठा को जानता है और खुद साधारण दाते इस मामले के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। कल विरार में उन्होंने दौरा करते हुए पूरा हालात का जायजा भी ले चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होगा, लेकिन यह बात तय है फिलहाल जो आरोपी की लिस्ट में कहा जा रहा है कि शिवसेना के बड़े नेता का नाम है, तो यह फिलहाल तय है। अब यह देखना बाकी है कि वाकई में इस शिवसेना नेता का जिसका नाम आरोपी में है, क्या इनकी संलिप्तता है, या जैसा इनका ऐसा कहना है कि ये सालों से बहुजन विकास आघाड़ी में थे और उस समय जो निशांत कदम है इनका कार्यकर्ता था, उसको लेकर इनके ऊपर पार्टी छोड़ने के बाद में इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है ये आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं